हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने मोटो जी 45 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक को सेट कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके लिए आपको मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आप नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पर ये ऑप्शन मिलता है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, इसे सेलेक्ट करना है। अब इस वाले पेज में आपको डिवाइस अनलॉक का ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब इस वाले पेज में आपको है ना ये फिंगरप्रिंट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखिए, आपको ना सबसे पहले तो मोबाइल फोन में स्क्रीन लॉक लगा लेना है। अगर आपके फोन में स्क्रीन लॉक नहीं लगा है तो स्क्रीन लॉक पहले लगा लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब यहां पर आपको अपने मोबाइल फोन का स्क्रीन लॉक एंटर करना है, ठीक है। तो आपका ये पेज आएगा ना, इसमें आपको नीचे सेटअप का ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेट करना है, यानी फिंगरप्रिंट लॉक सेट करना है, ठीक है। तो देखिए, आपको करना है कि अपने दोनों हाथों में से किसी भी एक उंगली का यूज करना है, किसी भी एक उंगली का, थंब का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो फिंगरप्रिंट का साइड में सेंसर है ना, इसे आपको टच करना है ऐसे। और ध्यान रखिएगा, जिस फिंगर को आप टच कर रहे हैं ना, उस फिंगर को पहले आपको साफ कर लेना है। और इस तरीके से जैसे मैं लगा रहा हूँ ना फिंगरप्रिंट, ऐसे उठा उठा के टच कर रहा हूँ, ऐसे ही आपको टच करना है उठा उठा के, ठीक है। और फिंगर को ना थोड़ा सा आगे पीछे हल्का सा ऊपर नीचे हल्का सा करके टच करना है, जिससे आपका फिंगरप्रिंट लॉक जो है जल्दी सेट हो जाएगा और जल्दी से आपका फिंगरप्रिंट स्कैन होगा, ठीक है। तो देखिए, टच करते रहना है, तो ये सर्कल ये पूरा हो जाएगा ना, तो आपका फिंगरप्रिंट लॉक लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए, जब ये राइट टिक का ऑप्शन लग जाएगा ना, इसके नीचे आपको डन का ये ऑप्शन दिखेगा, डन पे सिलेक्ट करना है। तो आपका यहाँ पर फिंगर वन लिखा हुआ आ जाता है, फिंगर वन, ठीक है। तो इस तरीके से आपके फोन में फिंगरप्रिंट लॉक सेट हो जाता है।